बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज्यादा का जीवन जी चुकी है एक ऐसी नागिन जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि जिनकी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उनकी जिंदगी में हर खुशी आ गई समझो। बिहार के भक्तियारपुर में एक ऐसा गांव है जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के भक्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना किया करती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खान में काम करने लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम किया करते थे, परंतु वो मोहन सिंह बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। सेठ की नजरों से बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे आए पैसों को वो अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब बही खाते पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने मुंशी को कहा कि कुछ बोरियों की हेरा फेरी हो रही है, अगर तुमने पता नहीं लगाया कि ये गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी काफी डर गया और फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने दो खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को एक रमेश नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर को पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र भी था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया और राजू जानता था कि उसका दोष निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई हैं और वो सबकी नजरों में न आए इस तरीके से रखी गई हैं। जब राजू मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने उसे डांट दिया, जा अपना काम कर, अभी उन्हें भी रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ, उसने उन बोरियों पर नजर रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवा दिया और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपए मुंशी को दिए। ये सब देख राजू समझ गया कि मुंशी ही है जो कोयले की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवा दिया था। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई। जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पीट कर नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठानी। एक दिन जब राजू काम करके देर से शाम अपने घर लौट रहा था तब मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख राजू की बहन की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। पहले उसके माँ बाप उससे छीन लिए गए और अब उसका बड़ा भाई। वो अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुँची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुझसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से तेज बिजली कड़की और एक आवाज हुई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था, उसे जगाओ और घर पर ले जाओ।
तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन उसे खुशी से गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था तो रास्ते में अचानक एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कहते हैं राजू के साथ घटी ये घटना न केवल भक्तियार गाँव में बल्कि आस पास के अन्य गाँव में भी फैल गई और लोगों की उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था और बढ़ गई। आज भी दूर दूर से लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में महादेव शिव के सच्चे भक्त हर हर महादेव लिखे बगैर मत जाइएगा। दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।